शुरुआत करते हैं आज का जो सेशन है। आप सभी लोग बखूबी मालूम है, सुबह से मैं वो सर्कुलेट कर रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है कैंसर के ऊपर में, ये कैंसर क्यों होता है, उसका क्या ट्रीटमेंट है, उसके बारे में आज सर से जानेंगे इसके बारे में। एंड ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सर को इनवाइट करना चाहूँगा कि इसके ऊपर में इन डिटेल्स में लोगों को बताएं कि कैसे कैंसर होता है, उसके क्या कारण होते हैं और कैसे आप अपने आप को इससे बचा सकते हैं। सो सर, स्वागत है आपका। नहीं, थैंक यू वेरी मच। एक कल हमको था कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसर दावणगेरे में कंडक्ट किया था। सो उसमें मैं देखे, अभी फर्स्ट आई वांट दैट अभी जो हाथ उठाया है उन लोग क्या क्या क्वेश्चंस है वो लिस्ट आउट करे, तो उसी का आधार पर आप हमको बताए तो देन लेक्चर दे दूंगा, एक इंटरेक्टिव सेशन हो जाएगा। नहीं तो रूटीन होना अच्छे नहीं लगता है। अभी इन लोगों डॉक्टर एस के कलील साहब भी हाथ उठाया है, इन लोगों आप लोगों मतलब ये चैट बॉक्स में लिखे तो देन मैं अकॉर्डिंगली एक एक पॉइंट्स में टुन्ना जी बताएगा, मैं जाटो कहेंगे देन मैं बात करूंगा। चलो, तो चैट बॉक्स ऑन है। आज का जो टॉपिक है कैंसर से रिलेटेड, सो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपका आप पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में, उसी के ऊपर आज का सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। एंड सेकेंडली आई रिक्वेस्ट टुन्ना जी, आज का जो है वो भी यूट्यूब में वो सेशन के बारे में ये करके उसका लिंक शुड बी इन दी इन वेबसाइट ऑल्सो। हाँ, वो रिकॉर्डिंग हो रहा है सर, इजी रहता है सबको। सो पूछे आप सभी लोग, चैट बॉक्स ऑन है। तो भी हाथ उठाया है सो रहे तो देन अकॉर्डिंगली आई विल स्टार्ट, यू नो आई विल रियली आप लोग को मन खुश हो जाएगा आज का टॉपिक में, बिकॉज इट इज द बिगेस्ट नो मेनास सोसाइटी में कैंसर का। वजह से कैंसर आए तो ऑलमोस्ट एंटायर परिवार दंग हो जाता है, इसलिए। यस सर। सो ब्लड कैंसर पेशेंट को क्या देना चाहिए इसके बारे में पूछ रहे हैं, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉर ब्रेस्ट कैंसर। हमारा प्रोडक्ट कैसे हेल्पफुल है कैंसर को लेकर के, कैंसर क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन है। व्हाट इज कैंसर, व्हाट इज कॉज ऑफ कैंसर, टाइप्स ऑफ कैंसर, किडनी कैंसर, हाउ चेंज लिपोमा इन कैंसर, ब्लड कैंसर अगेन। किडनी कैंसर फोर्थ स्टेज, व्हाट टू डू, लीवर कैंसर, माउथ कैंसर, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई कैंसर इन अर्ली स्टेज, प्रोस्टेट कैंसर, लीवर कैंसर, कॉज ऑफ लंग कैंसर, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो गई है फादर को, अच्छा इसके बारे में बताएं। ये बहुत अच्छा है क्योंकि दिस इज द वे हम लोग एड्रेस करना है। इज देयर एनी क्योर फॉर फोर्थ स्टेज मेटास्टिक कैंसर, हाउ मेनी स्टेज ऑफ कैंसर, गले का कैंसर,
सेम अगेन रिपीट हो रहा है सारे. ठीक ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच. थैंक्स टुना जी फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस यू नो सेशन हेल्थ सेशन. सो आई थिंक अवर साइंटिस्ट डॉक्टर कुट्टी साहब नहीं आ पाए हैं, उनके मदर का थोड़ा तबीयत खराब है. ओके ओके नो प्रॉब्लम. एनीवे सो बहुत खुशी भी. एंड आज हमको डाउट था इतना प्रॉपरली मीटिंग अटेंड कर सकता हूँ या नहीं, बिकॉज आई वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम हुबली. हुबली आई लेफ्ट अबाउट 3:30 PM. सो कार अच्छा रहने की वजह से फास्टली आ सका, अदरवाइज मोबाइल में दे सकते थे. मतलब मालूम नहीं कि चेहरे आपको देख सकता था या नहीं. एनीवे सो नाउ फर्स्ट पॉइंट इज, अभी हम लोगों को कैंसर नहीं है. सो कैसा हम लोग उसको प्रिवेंट कर सकता है, इसको पहले सीखना है. एंड उसका पहले कैंसर कैसा आता है, एक्चुअली क्या है, कैंसर बाहर से नहीं आता है, हमारा शरीर में ही जो नॉर्मली अल्कलाइन नेचर का बॉडी है वो ना वो करके एसिडिक नेचर आए तो जो भी सेल्स है वो रोता है. उसका बाद में वो सेल्स अपने ही मतलब सिस्टम को क्रिएट करने के लिए म्यूटेशन होता है रॉन्गली. सो वही एक कैंसर. ये बहुत सुंदर से डॉक्टर बी ए मैकने साहब एक्सप्लेन किया है इसको. इज अ वेरी यू नो फेमस यू नो एलोपैथिक डॉक्टर, ऑलवेज नेचुरोपैथी को प्रमोट करता है. अभी मान लीजिए हमारा बॉडी है, से फॉर एग्जांपल एक अंग है, आप रब करता रहिए कुछ ना कुछ उधर हो जाता है, गाय हो जाता है, समथिंग सेल्स को कुछ यू नो ये हो जाता है. सो सिमिलरली इधर टेक्निकली स्पीकिंग जो बॉडी का इनबिल्ट सिस्टम का जो सेल्स है वो बॉडी प्रॉपर वे अल्कलाइन नेचर ना रहने की वजह से वो ऐसा म्यूटेशन होता है, ऐसा उनका मतलब है. जो भी मैं कह रहा हूँ ऑन द बेस ऑफ द डॉक्यूमेंटेशंस, रिसर्च आर्टिकल्स एंड टॉप डॉक्टर्स का मतलब जो भी लेक्चर है उसका आधार पर इन ए वेरी लेमैन लैंग्वेज में मैं आप लोगों को कह रहा हूँ. सो इसमें किसी अंग को हो सकता है, एक ये चीज, दूसरा अब्यूजिंग दी बॉडी इन वेरियस वे, टोबैको हो जो भी हो, टोबैको इज द बेस्ट एग्जांपल. एक इधर होगा लगता है उन लोगों, कलकत्ता का एक जेंटलमैन 28 या 29 ईयर कहीं नहीं रख करके ये पोर्शन का अंदर टोटली रॉटन हो गया था. डॉक्टर्स कहा था उसको रिमूव करने के लिए. सो अल्टीमेटली ही टुक माय ट्रीटमेंट. सो 100% वो जो है क्लियर हुआ. एंड आज मतलब इज लाइक एनी नॉर्मल पर्सन. सो फर्स्ट पॉइंट में बताएंगे, पहले मैं जो भी एड्रेस कर रहा हूँ हमारा डिस्ट्रीब्यूटर्स उन लोगों हेल्थी रहे तो दूसरों को भी हेल्थ दे सकता है. सो इसलिए हेल्थी रहने के लिए शरीर को हम लोगों ऑलवेज रखना है इन अल्कलाइन कंडीशन. अल्कलाइन कंडीशन रखने के लिए आवर फूड हैबिट्स हैज टू बी इन सात्विक फूड. सो मतलब जंक फूड्स नहीं खाना है,
ज्यादा नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना है, एंड बिगेस्ट यू नो पॉइजन मिल्क है। सो बहुत आदमी इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। सो मिल्क से बहुत बीमारी आता है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स कभी कभी खाए तो कोई दिक्कत नहीं। वही मिल्क का कर्ड इज अमृत है। सो इसलिए ये जो भी मैं कह रहा हूं, आज जो किडनी फेल्यूर हो या तो बहुत आदमी पहले हम लोग अमृत बोलते थे मिल्क को, अभी साइंस जो है वेरी स्पष्टली कह रहा है मिल्क का वजह से ही डायबिटीज भी आ रहा है, वेरी साइंटिफिकली। वो कैसा कैसा आता है, क्या क्या है, वो सारे एक्सप्लेन किया है बहुत डॉक्टर्स। सो इसलिए मिल्क प्रोडक्ट्स एंड शुगर्स जो भी हो एंड नॉन वेजिटेरियन, ज्यादा से ज्यादा ये कंज्यूम करने की वजह से बॉडी अल्कलाइनिटी का जगह एसिडिक नेचर आता है। सो एसिडिक नेचर में हमारा सेल्स प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर सकता, इसलिए हर आदमी एडवोकेट करता है ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स खाइए, सलाद खाइए एंड कम तेल का जो भी फूड प्रिपरेशन से वो खाइए, साग और सब्जी को ज्यादा से ज्यादा खाइए, ये सब कुछ मतलब एडवोकेट करता है, वो सही बात है। सो इसलिए हमारा मतलब कहना है क्या मतलब डाइट करना है, उसका में लिखा है, वन सेकेंड, उसको छोड़ देना अंदर, यार इलवा ले छोड़ दो अंदर, कोई दिक्कत नहीं, ನೀವ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಿ? ಕೀ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡು, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ, ಮತ್ತೆ ಮುಗೀತು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಹಾಂ ಏ ಬೇಡ ಬೇಡ ಬಿಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಸಿಲಿಯೇ ಸಬ್ಕೋ ಮೇ ಅನುರೋಧ ಕರೆಂಗೆ, ये जो फूड पैटर्न चेंज करना है, नंबर टू ड्राई फ्रूट्स पर्टिकुलरली नारियल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नारियल एंड केला। अभी कुछ लोगों सोच सकता है कि शुगर पेशेंट रहे तो नारियल कैसा मतलब खा सकता है और ये केला कैसे खा सकता है, ऐसा कुछ नहीं। Even diabetes patients also 100% ये खाए तो sugar level ज्यादा नहीं होगी। So now, secondly, हर दिन अच्छा हेल्थी रख करके 100% हर बीमारी including cancer से दूर रहने के लिए सुबह उठने के बाद में कम से कम आधा या एक लेमन जूस विथ ल्यूकवर्म वाटर, और उसी में आप लोगों वेद एलेक्सर का प्रोडक्ट्स को आप लोगों 15 ml वेद नेचुरे या 15 ml वेद इमिने या हाफ टी स्पून वेद पावर भी मिला करके ले सकता है, या तीनों मिला करके भी ले सकता है एज ए हेल्थ सप्लीमेंट। एंड वो जो ले लेगा उनका डायबिटीज एंड बीपी रहे तो ऑटोमेटिकली नॉर्मल ट्रेंड आ जाएगा। सो इसलिए आफ्टर फोर्थ डे चेक करके उसका मेडिकेशंस को टेपर डाउन करना है, बिकॉज ये जो है नाम के लिए हेल्थ सप्लीमेंट्स है, उसका इंग्रीडियंट जो है एज पर दी
एपीआई आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, सारे इंग्रेडिएंट्स मेडिसिन वैल्यू है, भारत सरकार उसको हेल्थ सप्लीमेंट का डिक्लेयर किया गया है, सो इसलिए वो हेल्थ सप्लीमेंट है। एज सच हेल्थ सप्लीमेंट्स मेडिसिन वैल्यूड काम करता है। सेकेंड पॉइंट, अदरक आधा सेंटीमीटर और गार्लिक 2 to 3 cloves एंड 1 teaspoon फिनेग्रिक सीड्स मेथी लेना है उसका बाद में, उसके गैप देने का कोई जरूरत नहीं। एंड उसका बाद में मेडिटेशन एंड प्राणायाम को इनकलकेट करना है, उससे इनॉर्मस एनर्जी लेवल एनहांस होता है। मेडिटेशन बेसिकली हाइपो थैलेमस ग्लैंड का थ्रू एंटर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को मतलब एक्टिवेट करता है। बेसिकली ये जो है फोरहेड का जस्ट थर्ड आई हम लोग जो बोलते हैं उसका पीछे है, आलमंड साइज का हाइपोथैलेमस ग्लैंड, इसको कहता है कि मास्टर ग्लैंड हमारा पूरा न्यूरॉन्स का। सो उसका साथ में पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है थ्रू विच इंटर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को एक्टिवेट करने के लिए मेडिटेशन, शांति से अपना श्वास को ऑब्जर्वेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कैंसर पेशेंट्स। सेकेंडली प्राणायाम, भस्त्रिका, बीपी नहीं रहे तो कपालभाति एंड अनुलोम विलोम, वो सारे किताब में आप क्यू आर कोड प्रेस करें तो ऑटोमेटिकली आप लोग देख सकते हैं या यूट्यूब पे भी देख सकते हैं कैसा करना है। इसका वजह से क्या होता है, एंटायर ऑर्गन्स एक्टिवेट होता है एंड ऑक्सीजन का इनहेलिंग कैपेसिटी ज्यादा होता है। एंड इसका भी बहुत आर्टिकल्स है कैंसर में प्राणायाम कितना हेल्पफुल है। एंड इवन हम ऑलरेडी बोल रहा हूँ आप लोगों को प्रिवेंट करने के लिए, ऑलरेडी एक आदमी प्रिवेंट करने के लिए कुछ भी क्वेश्चन था इसलिए, एंड वन टाइम हल्सी इन द सेंस फ्लैक्स डाइट इन तेलुगु अवसिगिंजलु, सो ये डाइट एज ए फर्स्ट कोर्स ऑफ द ब्रेकफास्ट लेना है। एंड ज्यादा से ज्यादा नारियल रखना है, किसी टूर जाएंगे नारियल ड्राई कोकोनट हो या कच्चा नारियल हो, और उसके साथ में डेट्स मतलब खजूर और उसके बाद में फिग, ये खाना आदत कराना है। एंड अदर जो भी ड्राई फ्रूट्स हो, सारे ड्राई फ्रूट्स कभी भी कोलेस्ट्रॉल को ज्यादा नहीं करता है, ये मिथ है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट एसेंशियल फैटी एसिड से यू कैन नॉट इमेजिन, सो इसको आप लोगों फॉलो करना है। और रॉ वेजिटेबल जूस ऑलरेडी मैं बहुत बार एक्सप्लेन किया है, B2C4, B2 मींस बीटरूट बॉटल गॉर्ड, जो आदमी डायबिटीज है उसका दिमाग में बीटरूट डायबिटीज के लिए हार्मफुल है ऐसा सोचे तो उसके जगह में पालक और मेथी का साग भी डाल सकता है कच्चा। एंड उसके बाद में ये बॉटल गार्ड कद्दू एंड C4 कैरेट कैबेज सिलेरी हर जगह में नहीं मिलता है, उसके जगह में हरा धनिया कोरिएंडर एंड कुकुम्बर खीरा एंड ये किया 2 पत्ता पान का पत्ता बीटल वाइन एंड जो आपका इच्छुक है टेस्ट के लिए पाइनएप्पल हो या एप्पल का जो फ्रूट, ये सब को इक्वल क्वांटिटी में एक्सेप्ट कोरिएंडर वो थोड़ा कम रहेगा, सो दूसरा इक्वल क्वांटिटी और 2 पान का पत्ता जूस निकाल करके आप लोगों पिए तो यू कैन नॉट इमेजिन आपका शरीर कैसा होगा, अनइमेजिनेबल वे उसका मतलब ताकत रहेगा। और कोई आदमी यूरिक एसिड का टैबलेट लेने का जरूरत नहीं, कोलेस्ट्रॉल का टैबलेट लेने का जरूरत नहीं एंड ब्लड थिनर का लेने का जरूरत नहीं। आपको आफ्टर 1 month आप चेक करें तो आपका ब्लड पैरामीटर 100% नॉर्मल रहेगा। एंड सेकेंडली ज्यादा दारू पिए तो भी
अस्तिक नेचर आता है उसको भी ध्यान में रखना है। सो ये फॉर द प्रिवेंशन जो मैं कह रहा बोल रहा हूं। सो नेक्स्ट जो है ट्रीटमेंट, मैं एज पर द लॉ आप लोगों यू कैनॉट स्टेट दैट मैं क्योर करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा और हमारा वेद एलेक्सर प्रोडक्ट इसको ये होगा। सो प्रचार करना अकॉर्डिंग टू द लॉ मना है, लेकिन उसका अंदर जो मेडिसिनल वैल्यूज है उससे बॉडी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा, सो ऑटोमेटिकली कैंसर से मुक्त होगा होगी, ये आप लोगों बोल सकता है बिकॉज ऑल इंग्रेडिएंट्स मेडिसिन वैल्यू है। सो ये चीज है फॉर ये। नाउ जो कैंसर है उसको डाइट कैसा रहना चाहिए, प्रोस्टेट का मैं बोल रहा हूं, प्रोस्टेट का कैंसर का मैं ट्रीटमेंट किया है एंड उसका संदर्भ में मैं कह रहा हूं। आप इमेजिन नहीं कर सकता है कि उनका, क्योंकि इधर बहुत डॉक्टर्स है इसलिए मैं उन लोगों को भी ये कर रहा हूं, इनका जो ये जो है आफ्टर, मतलब आई डोंट नो आपको क्लियर होगा नहीं, एनीवे आई विल पुट इट इन द वेबसाइट। सो इनका जो है जब आया हमारा पास में, इनका लड़का थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट है एंड PSA मतलब प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन लेवल 4337 था एंड इनका टेस्टिकल्स कंप्लीटली सोलन था एंड बेड से नहीं उतर सकता था। इनका उम्र है, दिस रिपोर्ट वाज डेटेड 29/12 का है, इनको उम्र 58 इयर्स है। ये 6 महीना 100% बंदर जैसा था, अनकुक डाइट 100%, बिकॉज उनको इच्छा था कि आई वॉन्ट टू लीव एंड यू कैनॉट इमेजिन। उसके बाद में रिपोर्ट में आपको बताएंगे, इट हैज रिड्यूस्ड टू 42, ये रिपोर्ट है 11th March 2022 एंड उसके बाद पे रिड्यूस टू 2.74, ये रिपोर्ट है 12th April 2022 एंड रीसेंट रिपोर्ट जो है 0.56, सो दिस इज द 0.56 एंड उसके बाद में पेट स्कैन में डॉक्टर कहा, बाद में ये कीमो भी लिया है, डॉक्टर ने कहा कि आप पास होने के लिए में हम लोगों सोच रहे थे आप रैंक आ गए आफ्टर सीइंग द रिपोर्ट्स, बिकॉज इन लोगों डॉक्टर को नहीं बताया था कि मैं राजू साहब का ये ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, प्रोडक्ट ले रहा हूँ ऐसा। सो दिस इज द पावर ऑफ अवर प्रकृति नेचर, लेकिन मुंह को थोड़ा ठीक रखना है, वी शुड कीप अवर माउथ यू नो 100% कंट्रोल। एंड नेक्स्ट में बताएंगे लिवर कैंसर, एक लेडी है शी इज इंडस्ट्रियलिस्ट नॉर्थ इंडियन मैरिड टू मलयाली केरला पर्सन, शी वाज टेकिंग कीमो फॉर द लास्ट 5 इयर्स एंड अल्टीमेटली डॉक्टर कह दिया कि
ये जो ये कीमो से होने वाला कुछ नहीं है, टैबलेट फॉर्मेट में ले रही थी। अल्टीमेटली सम अल्टरनेटिव आप ढूंढ लीजिए। उस समय पर हम जो ट्रीट किए, उस समय पर हर बॉडी वॉज इन ए स्वेलिंग इन नेचर एंड आंख जो है येलो कलर, येलोइश कलर, नींद नहीं आता था। एंड 3 मंथ्स का बाद में आया, फर्स्ट वो 1 महीने का बाद में आया, बहुत चेंजेस था। 3 मंथ्स के बाद में आया, एक्स्ट्रॉडिनरी नंबर 1 था। सो 4th मंथ पेट स्कैन किया, पेट स्कैन में कम भी नहीं था, ज्यादा नहीं नहीं हुआ था। अगेन हमको आया, टेंशन में बोलने लगे, क्या सर कम भी नहीं हुआ है, ज्यादा भी नहीं हुआ है। हम बोले दैट इटसेल्फ इज अ ग्रेट थिंग फॉर यू एंड मोर ओवर ऑल बॉडी पैरामीटर चेंज हुआ है, यू बेटर टू कंटिन्यू इट लाइक दैट में बताए। एंड अल्टीमेटली नाउ स्टिल शी इज कंटिन्यूइंग। किडनी कैंसर में अभी तक कोई किसी को ट्रीट नहीं किया है, माउथ कैंसर एक नहीं, आई डोंट नो इतना आदमी को किया गया है। आज नाम बताए तो आप सबको मालूम है, वेरी वीवीआईपी, उनको भी ट्रीट कर रहा हूं। ही इज नॉट एट ऑल टेकिंग एनी एलोपैथिक मेडिकेशंस, ओनली दैट एंड दिस प्रोडक्ट्स व्हाट एवर आई हैव डेवलप्ड। दूसरा क्या प्रोस्टेट का बोल दिया, लिवर का बोल दिया, मैं किडनी का हैव नॉट सीन। नेक्स्ट 4th स्टेज मैं बताऊंगा, हमारा पास में जो भी पेशेंट आता है, सारे दूसरा मेडिकल साइंस देख करके जब उसमें कुछ नहीं हुआ और डॉक्टर बोल दिया कि कितना दिन जिंदा रहेगा, उस समय तक उसको देखभाल कीजिए, और उस समय पर हमारा पास में आता है। और हमको भी खुशी का बात है कि ऐसा व्यक्ति लोगों को ट्रीट करने का और ये करने की। अभी एक लेडी का तेलुगु में आपका दिया था दैट यू नो इंटरव्यू, दैट प्लेस इज कॉल्ड यू नो एम्मिगनूरु इन अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट। सो प्रोग्राम थोड़ा डिले हुआ, मैं बैठ के लॉन्च में होटल का, 3 लेडीज आया, उसमें वो भी एक थी। ऐसे ही पूछे, सर हमको इतना अच्छा हुआ, नो हमको नहीं बोलना, कैमरा को बोल दीजिए, ऐसा अभी उसको रिकॉर्ड किए। उस समय पर वो कही, आवर हस्बैंड इज अ मैकेनिक एंड लार्ज इंटेस्टाइनल कैंसर एंड फूड जो है डायरेक्टली इंटेस्टाइन को ही ट्यूब लगा करके फूड इंजेक्ट कर रहा था, दैट वाज द स्टेटस। 30 दिन या 1 महीना हमको याद नहीं है। सो अभी हम उस समय पर हम नहीं उनका सुने, एंड अल्टीमेटली ही हैज कम आउट फ्रॉम दैट यू नो खाना जो ट्यूब से जा रहा था, एंटायर बॉडी चेंज हो गया। लेकिन आई शुड बी थैंकफुल टू वन यू नो पर्सन लेडी, उसका नाम शांति है ना, श्वेता जी। सो श्वेता जी क्या करती है, शी इज मेकिंग ऑल द डाइट्स एंड टेकिंग वीडियो क्लिपिंग्स 1 मिनट 2 मिनट्स का, एंड सारे लोगों को पेशेंट्स को सर्कुलेट करती है। She is really, I can say that she is an angel. इसलिए angel कहता हूँ, वो creativity, वो दिमाग लगाया, हमको भी खुश हो गया। कोई भी 1 मिनट 2 मिनट वीडियो को देख करके करे तो उसको भी patience रहता है। And so one second, I am in the meeting. I will call you later. So, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकता है, दैट पर्सन सेम फिश फ्राई वाटर फ्राई
किडनी पेशेंट्स के लिए कैसा बनाना है, वो भी एक लेडी बनाई थी, एंड उसके बाद में आई थिंक श्वेता जी भी बनाए लगता है, हमको याद नहीं। एंड उसी दिन एक ममता जी है, वो लेडी का नाम, शी इज अबाउट आई थिंक 40 इयर्स लगता है, 19 इयर्स से शी वाज सफरिंग फ्रॉम बेल पैल्सी, मींस मुंह स्ट्रोक हुआ था, एंड फ्रॉम ए अम्बल बैकग्राउंड, ट्रीटमेंट नहीं ले सका, ऐसे ही विथ पेन था थी। एंड श्वेता जी उनको इंट्रोड्यूस किया वेद एलेक्सर प्रोडक्ट्स, एंड विथ ऑल द डाइट एंड ऑल, यू बिलीव मी आर नॉट, 19 इयर्स का 19 डेज में क्लियर हुआ। सो लाइक दैट मतलब यू नो उसका क्लियर हुआ है। देन वो बोलते बोलते रो लिया, सर हमको श्वेता मैडम ऐसा नहीं सिखाए तो, ऐसा नहीं बताए तो हमको ये प्रॉब्लम नहीं होता था, क्योंकि इतना पोर्शन ऑलवेज पेन रहता था और ये पोर्शन भी अनइमेजिनेबल वे ये कर होता था। एंड समथिंग यू नो आपको मालूम है कि स्ट्रोक का मतलब कैसा रहता है, बेल पैल्स में मुंह का स्ट्रोक हो। सो इन दिस वे ये प्रोडक्ट्स मतलब ऐसा मतलब मेडिसिन वैल्यू है, अनथिंकेबल है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेज का वही बात करते करते थोड़ा चेंज हुआ, लास्ट स्टेज में ही आता है, ठीक से डाइट करे तो 100% भगवान उसको मदद होगा, मदद होगी। एंड यू कैन नॉट टेल दैट 100% क्यूर होगा, सो आप ऐसा बताए तो दैट इज अ अनलॉफुल स्टेटमेंट, एंड आप नहीं दे सकता है, एंड कुछ नहीं हुआ तो वो गाली दे देगा आपको। सो इसलिए आप लोगों को बोलना है ये हेल्थ सप्लीमेंट है, इसलिए ऑलरेडी मैं एड्रेस किया कि ये इट विल गिव यू नो सच ए ग्रेट मतलब हेल्प, आप इमेजिन नहीं कर सकता है। और बहुत आदमी को क्वेश्चन आएगा, इवन इधर डॉक्टर्स पे है, इसलिए वेरी टेक्निकली मैं बताएंगे। सो दिस इज बेसिकली डॉक्टर जोहाना बडविक थियरी। आप गूगल में जाकर के डॉक्टर जोहाना बडविक सर्च करें तो ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा कि कैसा कैसा शी हैज डन ए रिसर्च फॉर कैंसर फॉर मोर देन 35 इयर्स। अभी रिसेंटली तुनुजी को बोल करके मैं बुक भी मंगवाए फ्रॉम यूएसए, वो बुक में लास्ट पेज में लिखा है शी वॉज गॉट रिकमेंडेड फॉर नोबेल प्राइज 7 times बिकॉज ऑफ सम रीजंस आई डोंट वॉन्ट टू कोट, उसको नहीं मिला। वो मिले तो वो किताब छोटा किताब है, वो पढ़े तो किसी को बीमारी कैंसर 100% नहीं आएगी। एंड उनका अनुसार क्या खाना क्या नहीं खाना आप लोगों को मैं बता दूंगा, बिकॉज कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोगों बहुत एंग्जाइटली सुन रहा है। नंबर 1 क्रैब्स नहीं खाना है, एंड ये क्या है झींगा मछली नहीं खाना है, दैट इज अ फ्रॉन्स, पोर्क नहीं खाना है, बीफ नहीं खाना है, मटन नहीं खाना है, एंड कोकोनट ज्यादा लेना है, कोकोनट ऑयल कंज्यूम करना है, एंड फ्लैक्स डाइट जो हम हर समय पर बोलता रहता हूं वो लेना है, उसको मैं 3 times जो डिफाइन किया है वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, काम कर रहा है। एंड प्लस ज्यादा से ज्यादा अनकुकड लेना है, ड्राई फ्रूट्स उसमें भी वो कहती है, नारियल एंड खजूर एंड दिस व्हाट यू कॉल दैट यू नो अंजीर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड दूसरा कहती है कि
फ्रेश फूड खाना है, माइक्रोवेव में उसको हीट नहीं करना है। सो ये सारे चीज है एंड इसी का अनुसार मैं डिफाइन करके आप लोगों को डाइट बुक लिखा ये किया गया है एंड आप लोगों को अगेन मैं शेयर करूंगा। एंड उसमें स्पष्ट है कि vedelixir.com ये हेल्थ गाइड में जा करके डिसीज हो रहा था अभी कैंसर, क्योंकि एवरीडे नया नया डिस्ट्रीब्यूटर्स विथ पेशेंट्स रहता है, इसलिए मैं दिखा रहा हूं हिंदी में है और ये इंग्लिश में है, तेलुगु में सारे हो चुका है। आई डोंट नो हाउ इट हैज नॉट अपलोडेड, काइंडली उसको अपलोड कराना है टुन्ना जी एंड उसको भी आप नोट कर लीजिए। हाँ है सर, है सर। एंड उसके बाद में पंजाबी में भी है वो, उसको मैं हम एक बार चेक करके ही, मैं ऑलरेडी भेजे थे किसी किसी को, उन लोगों नहीं दिया लगता है चेक करके, क्योंकि सब गूगल ट्रांसलेशन करके भेज दिया है, वो अच्छा नहीं है, इसलिए आप लोग उसको देख करके थोड़ा ये करना है। सो नाउ अभी देख लीजिए इसमें कैंसर हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर्स, उसके फॉलोइंग डाइट शुड बी मेंटेन, डू नॉट कंज्यूम स्वीट्स, स्ट्रिक्टली फॉलो द अनकुक्ड डाइट। इसमें क्या होता है, बहुत आदमी को ज्यादा कंटिन्यूसली अनकुक्ड डाइट खाए तो कभी कभी बैक पेन वगैरह आता है, इसलिए आजकल मैं स्पष्ट कह रहा हूं चाहे तो एक सप्ताह कीजिए, उसका बाद में आप 20-30% कुक्ड फूड कीजिए नहीं और रिमेनिंग अनकुक्ड कीजिए। बट कुछ लोगों हम 100% 100 साल जिंदा रहना चाहते हैं ऐसा सोचता है, सो दैट इज द रीजन व्हाई दे आर यू नो एंजॉयिंग विद ऑल द यू नो ओनली अनकुक्ड डाइट नॉट कुक्ड वन। सो इसमें इट्स लेफ्ट टू द पेशेंट्स, लेकिन इतना ही हमारा मतलब अनुरोध है कि 100% इसको हम लोगों ये जो डाइट्स है डेफिनेटली क्यूर कर सकता है 100% डाइट से, बिकॉज हमारा लड़का को जब आया ब्लड कैंसर उस समय पर हम लोगों 2010 में जोहाना बडविक थियरी का रिसर्च करके प्लस हमारा जो आयुर्वेदा को ब्लेंड करके उनको ऊपर भी हम लोगों ये किए एंड वो इतना फास्टली रिकवर हो गया ब्लड कैंसर से आप लोग इमेजिन नहीं कर सकता है। सो देन उसको डेली रूटीन क्या है, कैसा रॉ वेजिटेबल जूस और सलाद कैसा बनाना सब कुछ में लिखा है। सो देन आई विल गोइंग टू एड्रेस इन तेलुगु फॉर यू नो फ्यू मिनट्स। सो नेनेम चेप्तानंटे మీకంతా తెలుస్తుంది ఆల్రెడీ ఎవ్రీడే నేను చెప్తా ఉంటాను, అవసి గింజలు మజ్జిగ దట్ ఈస్ అ ఫ్లాక్స్ డైట్, ఇట్ యాక్ట్స్ లైక్ ఎ కీమో। సో దీన్ని రీసెర్చ్ చేసిండేది డాక్టర్ జోహానా బడ్విగ్ అని జర్మన్ లేడీ అండ్ షీ డిడ్ ద రీసెర్చ్ ఫర్ మోర్ దాన్ 45 years ఇన్ జర్మనీ। ఇది నేను ఎక్స్పెరిమెంట్ నా సనికి చేసిండేది, ఆమెట అన్కుక్డ్ డైట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, అది బుక్ లో వేసిండాను। ఏమంటే ఫుడ్ లో డ్రై ఫ్రూట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, పర్టికులర్లీ కోకోనట్, ఆమెట ఫిగ్ అంటే అంజీరా, ఆమెట ఇది డేట్స్ అంటే ఇది ఖర్జూరా, ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆమెట 3 times అవిసి గింజల మజ్జిగ తీసుకోవాలా, దట్ మీన్స్ 3 times ఫస్ట్ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ టైం 1 time, ఆఫ్టర్నూన్ బిఫోర్ లంచ్, ఈవినింగ్ స్నాక్స్ టైం ఫర్ ఎస్పెషలీ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్. సెకండ్లీ రా వెజిటబుల్ జ్యూస్ 2 times, దే కెన్ సీ ద రిజల్ట్స్ నేను చెప్తాను విత్ ఇన్ ఎ మంత్. 3-4 days back, one lady has called me that the tumor she had, you know, nearby mouth, udi o adi idde indi
అంత ఇదైతే అయితే ఉంది డాక్టర్ చెప్పే ఆంకాలజిస్ట్ వాళ్ళకి దట్ మీన్స్ ఇట్స్ రియలీ గివింగ్ ఏ గ్రేట్ యునో హెల్ప్ టు ద పేషెంట్ సో దానికి మీరు కంటిన్యూ చేయండి అని చెప్పినారు సో దిస్ ఇస్ వాట్ సో ఐ హోప్ దట్ ఐ హావ్ కవర్డ్ ద టాపిక ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ యునో లాట్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్స్ సో బతాయే టర్నో జీ yes sir so I think I have covered everything yes sir, yes sir, yes sir, yes sir. almost all jo bhi question tha wo sare cover kiye gaye and main hum bataunga aur koi questions rahe to let them write now I will address for that also correct, correct. so chat box on ho gaya hai audio preview abhi bhi koi question hai to aap log type karein let it be 2-3 questions mein directly address karne ke rajbir kaur ji bataiye one second sir yeah mic open kar lijiye rajbir kaur ji hello good evening sir good evening please tell me sir actually my husband is suffering from brain tumor I mean aur thoda grade 3 thoda awaaz thoda zor se kijiye kyunki bahar kuch challa ho raha hai okay, sir, sir, my husband is suffering from brain tumor glioblastoma grade 3 again repeat me brain tumor brain tumor my husband is suffering from brain tumor glioblastoma okay abhi kya status mein hai sir he is at grade 3 whatever the grade may be there you don't worry about it you take okay, see I am telling you you are speaking from Punjab yes sir and therein you know many of them are well conversant there is a Dr. Amit is there and many persons so you just you know you discuss with your persons and you download the diet and also you follow जो मैं बताया है वो सप्लीमेंट्स के साथ में विद डाइट एक महीना के अंदर यू विल सी द सी चेंजेस बिकॉज़ आई एम नॉट ओनली थ्रू ज़ूम इधर नहीं टीवी में भी मैं लाइव लेक्चर देता हूँ बिकॉज़ हम इतना अथॉरिटेटिवली देता हूँ कि ये साइंस हर आदमी को पहुंचना है कैसा हम लोगों का आहार चरक संहिता में कहता है आहारी महाऔषध एंड आहारी यस कैन आई यस सो इसलिए यू जस्ट बी पॉजिटिव एंड यू फॉलो द डाइट एंड एटलीस्ट 1 week यू मेक हिम टू टेक ओनली अनकुक्ड डाइट एंड ब्यूटीफुली आप लोगों गाजर को जो ग्रेट करता है ना ग्रेटिंग गाजर को ग्रेटिंग करता है यस सर उसी तरफ से जो भी मैं सब्जी कहा है वो ग्रेटिंग करना सुंदर से उसको चाट मसाला डालना एंड मूंगफली है ना पीनट्स उसको स्प्राउट्स कराना और उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिक्स करके आप खाना आपको अच्छा लगेगा देन हस्बैंड को खिलाना ओके ऑलवेज ही शुड ईट वंस यू फील दैट इट इज अ रियली पैलेटेबल खाने में मजा आता है देन पेशेंट को देना है ये हर आदमी को मैं बोल रहा हूँ सिमिलरली हल्सी का मट्टा फ्लैक्स डाइट यू प्रिपेयर एंड यू शुड प्रिपेयर इन सच ए वे दैट उसमें हल्सी का तेल भी डालना है और तेल भी इधर से मंगवा दीजिए तेल वगैरह सब डुप्लीकेट तेल है 99% हल्सी का आउटसाइड एंड जब तक हल्सी का तेल नहीं मिलेगा उस समय तक यू यूज 2 tablespoons हल्सी का बीज ओके एंड उसको भी ऐसा मिक्स करना है नहीं भूजना बीज को एंड पाउडर बना करके नहीं रखना है एंड उसको बना करके आप पीना है वो सुंदर है तो देन उनको पिलाना okay. ये जो आप रेसिपीज बता रहे हैं ये आपकी वेबसाइट पे है सारी 100% है देखिए मैडम बोथ वो हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है ओके सर ओके नो इश्यूज एंड आफ्टर 1 month आई वांट टू नो किसे किस चेंजेस हो रहा है बिकॉज हमको एक यू नो एंग्जाइटी है क्या क्या चेंजेस हुआ जो व्हाट एवर आई एम स्पीकिंग यू नो दैट इज ऑन द बेस ऑफ द सक्सेस स्टोरी ओनली सो इसलिए मैं कह रहा हूँ ठीक है ना
ठीक है, अनदर सार्थक आगरा। सार्थक अग्रवाल जी, अग्रवाल जी, ओ यस सर, सॉरी, यस सर, सर मेरी बुआ है, उनको अभी लंग कैंसर फोर्थ स्टेज है, मेटास्टेटिक। इसके पहले लास्ट ईयर उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हुआ था जो कि क्योर हो गया था, लेकिन अभी वापस से रीडेवलप हुआ है और फोर्थ स्टेज लंग कैंसर है। तो सर उसके लिए क्या क्योर हो सकता है? जी मैं बताऊंगा, अभी ऑलरेडी आई हैव क्लियरली यू नो इंडिकेटेड टू रजबीर कौर जी को, आप सुना लगता है, द ट्रीटमेंट इज वेरी स्टैंडर्डाइज्ड, वेरी 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 स्टैंडर्डाइज्ड, इट्स अ प्योरली जोहाना बडविक थियरी। सो उसको आप देख करके 10 बार देख लीजिए, 3 बार अलसी मट्टा देना ही है, कितना ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स खाए तो एंड सलाड खाए तो उतना अच्छा है। सो वो जो अलसी मट्टा, इट एक्ट्स लाइक ए कीमो ओनली, आप दिमाग पे रखिए। आई डोंट वॉन्ट टू मेंशन मेनी यू नो VVIPs, आई एम यू नो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट मैं आपको बोल रहा हूँ, उन लोगों कुछ भी कीमो नहीं ले रहा है, कीमो लिए तो कुछ हमको ऑफिस में हमारा पोर्टफोलियो चेंज हो सकता है, सेकेंडली हम ऑफिस में नहीं जाएंगे, एंड क्यों नेचुरोथेरेपी में नहीं जा सकता करके इतना अच्छा उन लोगों जी रहा है। माई पॉइंट इज फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव यू नो एनर्जी रहना चाहिए ब्रेन में, 100 साल का ज्यादा में जिंदा रहना चाहिए। नंबर सेकेंड, मुंह को ठीक रखना है, क्या खाना नहीं खाना है। तीसरा, मैं जो साइंस कहा है उसको अपना जो है पिताजी या जो भी हो उसको ऊपर भी ये करना, दूसरों को भी सिखाना है। आपको आश्चर्य लगेगा, परसों हम लोगों का IAS सर्कल में एक मैसेज सर्कुलेट हुआ, रीसेंट पास्ट का मिस्टर राकेश झुंझुनवाला जी जो बिलियनियर क्रॉनिक किडनी डिसीज से जो मर गया था, दैट इज अ डायबिटिक नेफ्रोपैथी से, कि अल्टीमेटली हेल्थ के सामने कितना भी करोड़ रहे तो पैसा कुछ नहीं करेगा। ये कह रहा है 5 करोड़ काम कर सकता है पैसा, लेकिन जाने के समय पर साथ में नहीं आता है। वो शब्द हमको बहुत अच्छा लगा, कल भी मैं डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस में यही नहीं बताए थे। सो इसलिए अपना हेल्थ को भी ठीक रखना है, दूसरा को भी ये होम रेमेडी सिखाना है, और आपका जो पेशेंट को फोर्थ स्टेज रहे तो भी, मैं ऑलरेडी में कह चुका है, एक नहीं दो नहीं नंबर ऑफ पेशेंट्स को मैं ट्रीट किया है, आउट ऑफ 10 5-6 सक्सेस रेट में देखा है फोर्थ स्टेज का। मैं पहले ही बोल देता हूँ स्टेज वगैरह क्यों दिमाग में रख रहा है, आप जिंदा रहना है ना, सो देन यू थिंक पॉजिटिव वे, एंड धूप में बैठिए 2 बार सुबह और शाम को, एंड स्वीट्स को जहर मानिए, एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को जहर मानिए, एक्सेप्ट कर, एंड तेल 1-1 टेबल स्पून सुबह ब्रेकफास्ट का समय पर 1 टेबल स्पून कोकोनट तेल, शाम को 1 टेबल स्पून, और जो खाना में बताया वो ले लीजिए, ऐसा मैं बोलता हूँ पेशेंट्स को, एक्स्ट्राऑर्डिनरी उन लोगों को रिजल्ट आ रहा है। सो इसलिए अभी देखिए, अभी इतना घंटा में जर्नी करके उधर मीटिंग करके उबली करके क्यों, मतलब अगेन मैं एड्रेस कर रहा हूँ, हम जो सीखा है और हम जो अनुभव लिया है कुछ आदमी को दिए तो हमको भी मन खुश हो जाता है, कुछ आदमी को मतलब दर्द से दूर किया ऐसा। सो प्लीज बी पॉजिटिव, एंड आल्सो आप लंग कैंसर का वजह से उसमें एक मसाला काढ़ा लिखा है स्पाइस ड्रिंक, वो चाय जैसा हर समय पर लेना है, नंबर 1। नंबर 2, अलसी मट्टा को हॉट वाटर में लेना है जो भी लंग डिसऑर्डर्स का है, एंड आस्थमा है या पल्मोनरी डिसऑर्डर है, उन लोगों हॉट वाटर में लिए तो अच्छा रहता है, लेने के बाद में मुंह को ये गार्गल करके वॉश कर देना। सो कभी कभी कॉफ हो जाता है,
किसी किसी को। सो इसलिए आप ट्राई कीजिए सार्थक जी, एंड डेफिनेटली आई होप दैट उनको 100% अच्छा मतलब रिजल्ट आ सकता है। एंड अनदर जेंटलमैन इज हसन बाबा। हसन बाबा जी अनम्यूट कीजिए। सर जी नमस्ते। नमस्ते बताइए। सर एक 32 इयर्स लेडी है क्रेसिनोमा एनोरेक्टम के लिए स्विच करके कह रहे हैं उनको अपना प्रोडक्ट दे सकते हैं। देखिए मैं वेरी क्लियरली बोलता हूँ अफोर्डेबल रहे तो तीनों मिक्स करके सुबह और शाम को दीजिए, अफोर्डेबल नहीं रहे तो वे नेचुरली सफिशिएंट या वे रिमेन सफिशिएंट हेल्थ सप्लीमेंट। इधर गरीब भी है और ना गरीब भी है, लेकिन क्या खाना नहीं खाना होम रेमेडीज 100% फॉलो करना है, ठीक है ना। एंड ऑल्सो अनिल तिवारी साहब आप भी हाथ उठाया है, आप बताइए। हाँ सर एक्चुअली मैं डोजेस के बारे में पूछने वाला था कि कैंसर के केस में हमारा प्रोडक्ट का डोज क्या रहेगा। इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। देखिए मैं वेरी फ्रैंकली बताएंगे, व्हेन आई वाज इन्वेंटेड 30 ml हम देते थे। एक डॉक्टर साहब है तिवारी साहब फ्रॉम मुजफ्फरपुर, सारे परिवार एलोपैथिक डॉक्टर्स है, वो भी एडा डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी, एंड वो एक बोतल कार्डियोवैस्कुलर दिए थे। उनका सिस्टर सब लोगों को दिए थे, एक बोतल या दो बोतल उस समय पर जब कमिश्नर थे। देन इतना आदमी को दिया, सर बहुत अच्छा लग रहा है ये बोल रहा, हम दिए थे दो ही बोतल, कैसे दे सर, हम लोग आधा आधा चम्मच ले रहे थे। हम आधा बोतल लिए और हमारा दूसरा सिस्टर को आधा बोतल दिए, दूसरे को दिए। सो उनका पिताजी भी आयुर्वेदिक वैदिक था, बट others are all, even son is also right now, they are having a very big hospital in Muzaffarpur. Since aap Muzaffarpur mein bhi jata hai, unka kabhi main connect kara dunga, you can meet him. Son is also very senior most allopathic doctor, so MD hai. So isiliye 15 ml bhi le sakta hai, garib rahe to 7.5 ml bhi le sakta hai, ameer rahe to 30 ml bhi le sakta hai, koi isme side effect nahi hai. And वो वेद पावर आधा टीस्पून ले सकता है, कोई दिक्कत, सॉरी 1 teaspoon भी ले सकता है, कोई नहीं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दी गाइडलाइंस जो है उसका अंदर ही है पैरामीटर्स, उसका जो इंग्रेडिएंट्स, कोई दिक्कत नहीं। ओनली वन थिंग, मुंह को ठीक रखने के लिए सोचना है, बोलना है, उनको एक सप्ताह डिटॉक्स करा देना विथ 100% बंदर जैसा रहना चाहिए। जब बंदर जैसा रहने के समय पर ज्यादा से ज्यादा नारियल खाता रहे तो भूख नहीं लगता है। नारियल खाने के लिए चिकना जैसा डेट्स को रखना है, डेट्स को तोड़ लेना, नारियल को खाना है। सो ये सारे चीज हम भी प्रैक्टिस करता हूँ। आई एम यू नो टूना जी को पूछ लीजिए, ही इज आल्सो यू नो ऑलवेज कभी कभी डाइट शुरू कर देता है, बिकॉज इधर उधर मीटिंग जाने की वजह से ज्यादा नॉन वेज का चक्कर होने की वजह से अगेन मेंटेन दी अल्कोलाइन नेचर, ये भी कर देता है। सो इसलिए देन एक है ये नर्जो रियालम नर्जो बताइए। नर्जो रियालम नर्जो इधर है, रुस्तम मंसूरी है, आई डोंट नो, बट एनीवे डॉक्टर अमित पतवा जी को बोल दीजिए। लेटा डॉक्टर अमित अनम्यूट कीजिए। अमित जी फ्रॉम लुधियाना। यार डॉक्टर अमित जी अनम्यूट कीजिए। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बताइए डॉक्टर सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, एंड मैं इंट्रोड्यूस करूंगा डॉक्टर पतवा जी को, ही इज एलोपैथिक डॉक्टर and he is you know extraordinarily practice कर रहा है kidney patients को diabetes patients को सब कुछ, और हमको testimonial भी based रहता है। हाँ बताइए। सर एक ना लीवर पेशेंट आया मेरे पास, और सर उसको लीवर कैंसर है और गॉल ब्लैडर में सर 7 to 8 mm की स्टोन है, उसको बेद नेचुरल एंड बेद ह्यूमन सर दे रहा हूँ, डोज क्या होगा, और सर डाइट चार्ट उसको मैंने सब फॉलो कर रहा हूँ, बट एक्स्ट्रा क्या उसको दूं सर मैं।
सी एक ही चीज है, वो रॉ वेजिटेबल जूस दो बार लेना ही है। रॉ वेजिटेबल जूस, ओके। ये सब लोगों को मैं बोल रहा हूँ, मोर देन 300 पार्टिसिपेंट्स है अभी, ऑफ कोर्स 282, सबको बोल रहा हूँ रॉ वेजिटेबल जूस दो बार, एंड फ्लैक्स डाइट अलसी मट्टा तीन बार फॉलो कर रहे हैं सर, ले रहे हैं, एंड प्लस रॉ ये सलाद, सलाड्स ब्यूटीफुली बनाना है, सलाद को मिक्स कर देना ड्राई फ्रूट्स, देन बहुत अच्छा रहता है, ड्राई फ्रूट्स नहीं मिक्स करे तो मजा नहीं आता। ओके, एंड आप लोगों पहले खाना है, आप लोग खुश होना है, देन पेशेंट्स को बोलना है, आप लोगों ट्रायल नहीं करे तो पेशेंट्स को क्या बोलेंगे। सो ओके मिस्टर सचिल बाग जी, बताइए सचिल बाग बात हो गई या नहीं तो? जी सर, ओके बात हो गई ना। सजल जी, सजल बाग, या अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए सर। एक्चुअली मेरा दो क्वेश्चन था सर। सर अगर नॉर्मल कोई आदमी अगर हमारा प्रोडक्ट लेना चाहता है तो सर वो कौन सा वाला प्रोडक्ट यूज करें, वेद नेचुरल? एक चीज बताएंगे, अफोर्डेबल है या अनअफोर्डेबल है? जनरली ना नॉर्मल रहे तो अफोर्डेबल ही रहता है। अफोर्डेबल है, सब तीनों मिक्स करके एक बार ले बस खत्म हो गया। एक्स्ट्रॉर्डिनरी, एक महीना में इतना उनका बॉडी फिटनेस हो जाएगा। तीनों मिक्स करना, वेद पावर, वेद नेचुरल, वेद इम्यूने, एक बार। एंड पार्टी करने वाला रहे तो रात में भी लिए तो अच्छा, पार्टी में आया, पार्टी के बाद में इसको ले लिया। सी आई एम टॉकिंग इन ए वेरी नॉर्मल, लाइक ए नॉर्मल पर्सन। आजकल हमको पंजाब में जब गए थे सब लोगों यही कहते सर अल्कोहल पी सकता है, ये हम हर चीज कर सकते हैं, इट्स अ हेल्थ सप्लीमेंट्स। एंड नेक्स्ट डे बोल क्लियरेंस नंबर वन रहेगा, एक्स्ट्रॉर्डिनरी रहेगा, सो अनइमेजिनेबल है। इट इज रियली दैट्स द रीजन यू नो हेल्थ सप्लीमेंट का मीनिंग वही है, हेल्थ सप्लीमेंट्स का मीनिंग वही है, इसलिए नो। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, अगर सर अनकंफर्टेबल रहेगा तीनों प्रोडक्ट लेने के लिए तो दिस पर्सन सर कैन बी प्रोवाइडेड, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या वेद पावर उसको देना सही रहेगा या फिर वेद नेचुरल और वेद इम्यून का कॉम्बो देना सही रहेगा सर? सी एक चीज है, तीनों बॉडी का सेल्स को नरिश करता है, ये हेल्थ सप्लीमेंट्स है, इसलिए कोई अनकंफर्टेबल नहीं है। हम तीनों लेता हूं अभी, जे देखिए कल नहीं लिए थे, परसों नहीं लिए थे, परसों सुबह लिए थे, मैं दावणगिरे मीटिंग था, अभी आते आते मीटिंग का पहले मुंह धो करके पहले हमारा जो ऑर्डरली को बोल दियो हमको बना करके सारे दे दीजिए। सो एब्सोल्युटली कुछ भी ये नहीं है, ईट नहीं होता है। सो ईट का मतलब क्या दिमाग में रहता है, ऑलवेज आयुर्वेदा जो है रस शास्त्र को यूज करता है, दैट्स अ प्यूरिफाइड मेटल्स को, इसलिए मन में रहता है कि इसमें मेटल्स हो ईट हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, नो भस्मा नो मेटल्स, इट्स अ प्योरली हर्बल एक्सट्रैक्ट्स, दैट्स ऑल। एंड रेखा तिवारी जी, थैंक यू रेखा तिवारी जी, अनम्यूट कीजिए रेखा जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए। बोलिए मैडम, माइक अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, सुन रहा हूँ, बताइए मैडम। सर मेरे पापा को ना लीवर की प्रॉब्लम है और उनको कब्ज की दिक्कत है, तो उनको मैंने वेद नेचुरल वेद इम्यूनिटी दिया है, तो उनको डाइट क्या दें सर? आपको मैं सिखा दूंगा, देख लीजिए एक सेकंड, क्योंकि ये आपको एक आदमी को सिखाए तो सब लोगों सीखेगा, बिकॉज सिखाना मछली को पकड़ करके देना गलत है, सिखाए तो हर समय पर मछली को वो आराम से कर, नहीं तो वेट करेगा। ठीक है, लीवर का क्या डाइट है इधर हम लिखा है, इधर जाइए लीवर, देखिए ये हुआ, हाँ ये लीवर का ये क्या नहीं का, व्हाट नॉट टू ईट, इधर सब कुछ लिखा है।
एंड सेकेंडली ये हिंदी में भी है सेम, एंड क्या लेना है रोज ये भी लिखा है, एंड फ्लैक्स डाइट सब कुछ लिखा है। सो उसको इतना ही है, एक है एक लीटर का ज्यादा पानी नहीं पीना है नंबर वन। अच्छा। नंबर टू सारे घी एंड ये फैट्स मतलब ऑयल घी एंड मक्खन जहर है एक्सेप्ट तड़का छोड़ करके एंड रॉ वेजिटेबल जूस अमृत है दो बार देना ही है, अलसी मटर दो बार देना है एंड एक बार लहसुन और अदरक वगैरह देना है। एक बार आपका मतलब जो भी इंट्रोड्यूस किया है उसको पूछ लीजिए किताब में सब कुछ लिखा है, और किताब को 10 बार पढ़ लीजिए ना, जब 10 बार पढ़े तो आपका पिताजी भगवान का स्वरूप होता है। सो 100% आप पक्का हो करके पिताजी को एक देखिए एक महीना का अंदर सारे पैरामीटर्स चेंज होना है, मतलब SGPT QT एक महीने से ज्यादा हो गए सर लेते हुए। आप हम जो बोले थे ये सारे किया या नहीं किया? नहीं सर कुछ नहीं करते, वो मैं इनको बोला था ये सब डाइट करेंगे तो वो करते नहीं है डाइट। नहीं बोलिए डायरेक्टली, नहीं तो आप जिंदा भी नहीं रहेंगे मरेंगे नहीं, दर्द से रहना पड़ेगा, दर्द जो है इट्स अ वेरी वेरी हॉरिबल है। सो इसलिए उसको मोटिवेशन करना है एज ए डॉटर, 100% अच्छा होगी। ठीक है ठीक है, टाइम ज्यादा हो गया, आप लोगों सारे मैसेज भेज दीजिए, सो अकॉर्डिंगली आई विल एड्रेस एंड आई विल पुट इट इन दी योर ग्रुप बॉक्स। ओके सर, ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गुड नाइट, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, सो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।